नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ, मैं भी बढ़िया। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं सुबह के 5 बजे से। और आज जा रहे हैं हम अपने प्यारे से उत्तराखंड। तो हम रेडी होके आ गए हैं नीचे गाड़ी में। तो कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड जाने में? बढ़िया, मस्त। बढ़िया बढ़िया मस्त है ना? अपनी देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं हम, तो खूब मस्ती करेंगे। और ठंडा एरिया है, ठंड में रहेंगे। और यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, पर ठंड में भी क्या रहना है। दो चार दिन के लिए जा रहे हैं अपनी सासू माँ से मिलने। तो सासू माँ को नहीं है पता कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हम अचानक ही तैयार हुए। ये जब 5 बजे ऑफिस से आए, कल लेट भी आए थे ऑफिस से, तो लेट भी आए थे ऑफिस से। फिर उन्होंने 5 बजे कहा कि घर जाना है। उसके बाद फिर गाड़ी गुड़ी का काम वूम कराने गए। फिर तब थोड़ा बहुत दादी के लिए सामान लेने चले। फिर वही टाइम हो गया सुबह। फिर हम 4 बजे उठ के रेडी हो। किसी को भी नहीं पता कि हम गांव जा रहे हैं। अगर ब्लॉग डालूंगी तभी पता चलेगा, सिर्फ भाई को और बेटे को पता है, और आंसू को, क्योंकि उसके पापा भी पहले ही चले गए थे घर, तो इनको पता है। जय माता दी, जय माता दी, माता रानी। बाकी सरप्राइज सबके लिए। तो चलो फिर मिलते हैं, जहाँ जहाँ पे रुकेंगे वहाँ वहाँ पे मिलेंगे। तो जय देवभूमि उत्तराखंड की जय हो, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो हमारी सफर शुरू हो गया है। और बाहर कल तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। अब हमारे पति देव भी थक गए हैं, और ये सुनसान वाली रोड है, इसमें इक्की दुक्की गाड़ी चलती है। ये क्योंकि शॉर्टकट वाली है हमारे इधर से, क्योंकि अगर हम पौड़ी जाएं तो हमें फिर दो ढाई घंटे और लगते हैं अगर हम पौड़ी जाएंगे तो। और ये इसमें हम आधा पौने घंटे में घर में पहुंच जाएंगे, है ना? ये थक गए हैं गाड़ी चला चला के। चलो कोई नहीं, घर जाके रेस्ट करेंगे। लग दिए, और मेरे को तो बड़ी नींद आ रही थी। मैंने निकाले काले चश्मे, आगे बैठी हुई थी, मैंने कहा काले चश्मों के अंदर झपकी मार लेती हूँ। फिर भी इनको ना पता चल जा रहा था कि तुझे नींद आ रही है, तू पीछे भाग। फिर एक बार तो मैं गई थी पीछे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर सोई। उसके बाद नहीं सोई, पर बहुत नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि रात को भी नींद नहीं आई थी। और ये रुके हैं हम लंच करने पार्टी सैंड के नज़दीक। और ये देखिए नीचे का व्यू कितना प्यारा है। नदी, ये देखें, ये पूरी सतपुली साइड है। इधर से सीधा ये कलजी खाल की तरफ चले जाते हैं, खैरालिंग महादेव कलजी खाल असोलसू की तरफ। और ये है हमारा रूट सीधा। ये आगे पार्टी सहन है, पर वो हमारा लग गया फिर उसके बाद खादसू पट्टी। यहाँ पे बैठे हैं, बाहर का व्यू यहाँ पे बहुत सुंदर है। देखें ऊपर बहुत प्यारे प्यारे हैं। पहुँच गए हैं हम सतपुली में। ये देखिए सतपुली का नज़ारा क्या सुंदर लग रहा है। और ये नीचे गंगा मैया, गंगा मैया की जय हो। वे वीडियो हिल रही है बहुत, उनकी गाड़ी रोड ऐसी हो रखी है। कितना प्यारा लग रहा है सतपुली बाजार। यहाँ पे पहुँचे हम ब्रेकफास्ट करने। तो फिर यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। हम पहुँचे थे गुमारकाल की धार के सामने। तो अब देखते हैं कहाँ पे, अब सीधा लंच ही करेंगे। 11:30 वैसे भी हो गई हैं। ये तो बैठ गए हैं अंदर, 12 बजने वाली हैं। चलो फिर चलते हैं हम भी, और कहीं और देखते हैं। बोलो, पराठे खाने का मन कर रहा था, दाल चावल खाने का नहीं, लेकिन अब दाल चावल ही खाना पड़ेगा। तो
पहुंच गए हैं हम अपनी छोटी सी मार्केट पोखरी खेत में। अभी मुझे लग रहा है सारे लोग दुकान बंद करके सो रखे होंगे क्योंकि 2 बज गए हैं, सब बंद हैं। ये पहुंच गए हम भंडारी ससुर जी की दुकान में। ये वाली रोड चलेगी हमारी पौड़ी और ये वाली इधर को मुड़ेगी हमारी गाड़ी, ये वाली ये पौड़ी और ये पोखरी खेत। ये देखो ये हमारी पोखरी खेत, तो ये हमारी रोड है, तो हम इस पे निकल चुके हैं आगे। और यहाँ से 1 घंटा हो गया, अब यहाँ से हमें लगेंगे आधा पौना घंटा घर में जाने के लिए। यहाँ से हमारा नज़दीकी है तो काश रास्ता साफ हो, टूटा वूटा ना हो कहीं पे। किसी को पूछना भी भूल गए कि रास्ता साफ है। खैर आजकल तो टूटने टारने का डर नहीं है ना, पर कहीं पे रोड वगैरह बनती है तो फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। हिंगिरी एक्सप्रेस है किर्द गांव में पहुंच गए हैं हम। किर्द गांव भी काफी बड़ा है, तो ये नीचे भोलेनाथ का मंदिर है शिवालय। आ गए हैं हम यहाँ पे ज्वालपा देवी के सामने। ये माता रानी का गेट है, चले गई पापो चौंदकोट पापो की रोड और ये आ गई हमारी ज्वालपा देवी की तरफ। पहाड़ ही पहाड़, यहाँ पे पहुँचे हम ब्रेकफास्ट करने। तो फिर यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, हम पहुँचे थे गुमारकाल की धार के सामने। तो अब देखते हैं कहाँ पे अब सीधा लंच ही करेंगे, 11:30 वैसे भी हो गई हैं। ये तो बैठ गए हैं अंदर, 12 बजने वाली हैं। चलो फिर चलते हैं हम भी और कहीं और देखते हैं। बोलो, पराठे खाने का मन कर रहा था, दाल चावल खाने का नहीं, लेकिन अब दाल चावल ही खाना पड़ेगा। ये आधा गांव के अर्ध का इस तरफ है पोखरी की साइड में। वीडियो कॉलिंग है, ये सारे इधर चीड़ के पेड़ है ये सब। फ्रेंड्स, तो दिन की बज रही हैं 2 और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच गए हैं घर में 2 बजे। और इतनी तेज़ धूप हो रखी है, मेरी सास टीवी चला के, फुल टीवी चल रहा था, आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं सोच रहा कोई हमारे घर में आ रखा है, लेकिन सासू माँ सो रखी थी, नींद आ रखी थी, टीवी चल रहा था। तो चलो फिर हम भी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं शाम को। छोटी जा तड़क मुक्त हो गया, तो क्या आया सही।
उत्तराखंडी परवसी बैबणु जी दया लग बड़ुई लग बड़ुई उत्तराखंडी परवसी बैबणु। काफी भीड़ हो रही है गाड़ियों की, अब सारी गाड़ियां पौड़ी से आ रही हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और नीचे देखना पानी भी, नदी में पानी नहीं है, पानी सूख गया। प्यारा सा उत्तराखंड, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है और 8-9 बजे के टाइम तो चलते समय काफ़ी ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ठंड लग रही थी। अब तो खैर गर्मी हो गई लेकिन ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ये देखिए हमारे उत्तराखंड के पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं। ये कर रही हूँ पहले सफाई, शाम की बज रही है 5:30, तो मैं मोटी मोटी सफाई कर रही हूँ किचन की, क्योंकि ऊपर के जो जाले वगैरह हैं ये तो मैं कल निकालूंगी, क्योंकि अब उल्टे टाइम पे नहीं निकाली। लेकिन जो ये इधर है ये देखना धूल जमी हुई थी, अब मेरी सास भी बुजुर्ग है वो भी कितना करें, तो ये मैं मोटा मोटा साफ कर रही हूँ सिर्फ धूलदार, बाकी अच्छे से सफाई हम कल करेंगे, कल करेंगे। और मेरी सास ने क्या क्या रखा है फ्रिज में, मेरी सास ने अपने लिए पेठे भी रखे हैं, दूध है, पता नहीं क्या क्या रखा है, दूध हमने भी ला रखा है। ये इसमें देखो ये फ्रूट्स मैंने भिजवाए थे किसी दीदी से पौड़ी से, तो ये देखो संतरे सेब अनार। जस्ट तो मेरी सास ने अपने लिए पेठा भी रखा है फ्रिज में, ये पौड़ी से भिजवाया था मैंने, किसी दीदी रहते ना पौड़ी में तो वो लेके आई थी बेचारी दीदी, हमारा मेरी सास के लिए हर फल फ्रूट लाते हैं, तो मैं उस दीदी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये फल भी दीदी से मंगवाए थे, अभी दीदी को पैसे देने हैं, अनार सेब संतरे और दूध वगैरह सब रखी हुई हैं। अभी इसको अंदर से साफ कल करेंगे, सिर्फ बाहर से कर लूँ मैं आज। और ये पूरी ये बर्तन है यहाँ पे हमने धो के ढका रखे थे, लेकिन मैं इनको पानी से निकाल रही हूँ, क्योंकि इनमें ना धूल जमी हुई है। कपड़ा तो मेरी सास ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया, इसके ऊपर कपड़ा डाल के गई थी मैं चुन्नी,
और ये पूरी सिल्की साफ करूंगी, देखना ही क्या कर रखा है ये पर नीचे। तो ये मैं नीचे ही नीचे का काम करती हूँ पूरा। और तेल के टिन, एक टिन मेरी सास का ख़त्म होता है और दूसरा जरूर तैयार हो जाता है। अभी वो टिन खोला भी नहीं है, कह रहे हैं कि इसको मैंने खाली करके 5 लीटर के डब्बे में रख दिया, सिलेंडर भी भरा हुआ है। अरे कद्दू, एक दिन हम इस कद्दू की भुज्जी भी खाएंगे, 2-3 है, एक उस कमरे में भी है बड़ा सा, है ना। पर ये ना हल्का हो गया, इसके अंदर अब ज़्यादा माल मसाला नहीं होगा, रहते के काम आते, रहते के काम आते। तो करती हूँ मैं थोड़ा सफाई, और उस वैसे तो कितनी भी सफाई भी मैं सफाई करके चली जाऊंगी ना, 15 दिन बाद फिर ये ऐसे ही हो जाएगी धूल, क्योंकि धूल उड़ के आते ना तो करी नहीं करी। लेकिन अभी मैं नीचे की कर रही हूँ, इन डब्बों की कल करूंगी। और सारे कमरों में, पूरे मकान पे ना बाहर भीतर जाले लगे हुए हैं। दिल्ली में तो हमारे घर में एक भी जाला नहीं लगता, क्योंकि वहां तो डेली सफाई होती रहती ना, लेकिन मकान के बारे ना जो बाहर का हिस्सा है वहां जाले लगे, वो कल दिखाऊंगा, उनकी सफाई हम कल करेंगे। ये सामान ला रखा है दिल्ली से अपनी सास के लिए, अभी तो ये थोड़ा थोड़ा लेके आए, ये तो मैंने कोटद्वार में लिया है, ये प्याज, आलू, खीरा, शिमला मिर्च, ये बैंगन हमें अच्छे लगते हैं, मेरी सास तो नहीं खाती, वो कहते हैं गर्म होता है, तो हम खाएंगे। टमाटर, घिया, कद्दू, शर्प, चाय पत्ती 1 किलो, रस के पैकेट, साबुन, नमकीन, मैक्रोनी, पास्ता मेरी सास को पसंद है, मेरी सास सब्जी उब्जी डाल के बनाती है, दिन में तब रोटी खाती है। मिठाई हम सिर्फ 1.5 किलो लाए हैं, क्योंकि 1 किलो बांटने के लिए और 0.5 किलो मेरी सास को खाने के लिए। ये बिस्कुट हैं, ये 2 फैन के पैकेट हैं, एक के ऊपर एक नीचे, उनको फैन पसंद है। आम है, सेब हैं, और ये अनार हैं, और केले हम यहीं से लाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे ना, केले भी उनको पसंद है। केला और जूस का डब्बा हम यहीं लेंगे, क्योंकि हम रात ही रात को तैयार हुए, तो ये सामान हमने आते समय रास्ते में ही लिया है, तो बाकी हम यहीं से लाएंगे उनके लिए सामान वामान। फिर जाते जाते फिर और फल फ्रूट रख देंगे, क्योंकि मेरी सास फल फ्रूट बहुत खाती हैं। आ गया हमारा खाना, कड़ी रोटी, हरी सब्जी, चटनी, सलाद, दाल और चावल भी आ रहे हैं, ये खाने भी लग गए, भूख लग गई थी। चलो फिर आप लोग भी कीजिए नाश्ता, वो नाश्ता नहीं लंच, वो देखना बिल्कुल यहाँ पे है, जहाँ पे मेरी उंगली है ना, उंगली नहीं दिख रही मेरी, ये बिल्कुल यहाँ पे है, जंगली मुर्गी वहाँ चले गए अंदर, यहाँ पे हैं, इसके अंदर हैं, इसके अंदर है, खूब आवाज़ आ रही है यहाँ। ये इस पेड़ पे जंगली ककड़ी लगी हुई है, कड़वे ही, एक हमारे गढ़वाली में इनको इलड़ा बोलते हैं, इलड़ा, ये देखो, ये जब छोटी होती है ना ककड़ी के जैसे छोटी छोटी, तब तो सेम ककड़ी लगती हैं, लेकिन तोड़ो तो कड़वी होती हैं। ये हमारे घर का बैक एरिया है, और नहीं ये देखना आम, अभी ना आम नहीं आ रखे हैं, ये देखो फूल आ रखे हैं, आम की बौर बोलते हैं इसे, पूरा भरा हुआ है। इस पे भी गुरियाल के फूल आ रखे हैं, इनकी सब्जियां भी बनती हैं। ये हमारे घर के ऊपर भी एक नया घर बन रखा है, ये मैंने पहले भी दिखाया था, और बहुत अच्छा बन रखा है घर। ये लोग भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन घर आते जाते रहते हैं।
बराबर आते रहते हैं, आजकल नहीं है, कुछ टाइम पहले थे। देखो ये मेरी सास के खेत हैं, कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही इसकी खुदाई करते हैं। और ये केले के पेड़ हैं, एक केला आ रखा है, कह रहे दो पक गए, एक केला देखो इतना बड़ा बड़ा हुआ। क्या पता हमें बोल दे मेरी सास की इसे ले जाओ सब्ज़ी बना लेना, तो सब्ज़ी तो इसकी काफ़ी टेस्टी याद होती है, लेकिन दो तीन बाद दिन बाद अगर ये तोड़ो दो तीन दिन बाद ना ये पक भी जाते हैं। ये हमारा पल्ल्या खोल है, देखना हमारा पूरा गांव तीन भागों में बंटा है हमारा गांव। ये पल्ल्या खोल है, कितने सुंदर सुंदर मकान और पेड़ पौधे नहीं है ना बीच बीच में। और ये तो हमारा ही मोहल्ला है हमारे घर के आसपास। नहीं, और ये उधर दूसरा ख्वाल है हमारा। क्या कर रहे हो? फट गया वो, दूसरा लाएंगे अब। अब जब बच्चे आएंगे ना साथ में तब दूसरा लेके आएंगे। कलर भी फेड हो गया ना वो हवा से फट गया, वो उसी समय फट गया था वो कुछ टाइम बाद। देखो सारा उस डंडे ने लपेट लिया था ना, झंडे को इन्होंने खोल दिया। आराम से आराम से, अरे वो और हो जाएगा। खुल गया ना, थोड़ा खुल गया। हल्की सी धूप रह गई है वहाँ सीकू के उधर। इधर के गांव हैं सीकू, तिमली। सीकू तो धार के पलतीर है, ये तिमली है, स्कूल है, ये वो है, भूल जाती हूँ मैं यार, डुंक कुंड। ऊपर कौन सा गांव है वो धार में सबसे ऊपर? कंडेरी, कंडेरी, कंडेरी। और ऊपर है ये श्रीकोट, ये है श्रीकोट गांव, ये सामने। ये हमारे घर के सामने ही आ रखे रोड, ये हमारा छत है, ये हमारी खेत है, खेत से ही ये सामने ये आ रखे रोड। और जो हमारी पुरानी वाली रोड थी ना वो ऊपर थी, ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे उंगली है मेरी पेड़ है ना यहाँ पे थी वो रोड, इतना पैदल चलना पड़ता था। और यहाँ पे बहुत बड़ा अंजीर का पौधा पेड़ है, ये यहाँ है, इस पर अंजीर आ रखे हैं, नहीं छोटी छोटी हैं, दिखाऊंगी। बाकी ये सब अखरोट के पेड़ हैं, ये देखो। एक खोल हमारा इधर है, आधे लोग इधर रहते हैं, दीदी वहाँ घास काट रही है और सामने खेतों में। और ये हमारा सामने स्कूल है, उस स्कूल के उस तरफ भाकड़ी है, वो भी बहेली का ही हिस्सा है। और ये नीचे है एक पंदेर का ख्वाल, ये हमारा पीला दिख रहा है मंदिर, ये शिवालय है बालेश्वर महादेव। और यहीं पे हमारा पानी है नल यहाँ नीचे, और एक बिल्कुल वहाँ है लास्ट मकान के वहाँ। आजकल ना पूरा हरा भरा हो रखा है। हेलो फ्रेंड, घर में पहुंच गए हैं, सरप्राइज दे दिया सास को, सरप्राइज। देखना सास मस्त टीवी में मस्त होके सो रही है। चलो चलो देखो देखो देखो, और देखो सास का सरप्राइज। सरप्राइज माँ बेटे का। पंखा सो रखी थी मेरी सास, और दोनों कमरों में ताले लगा रखी हैं। इस कमरे में भी ताला लगा रखा है, इस कमरे में भी ताला लगा रखा है, और किनारे वाले कमरे में सो रखे हैं, क्योंकि यहाँ का टीवी मुझे लग रहा बंद पड़ गया, खराब हो गया, तो उस वाले कमरे का
टीवी चालू है, तो उस वाले कमरे में टीवी देखते देखते सो रखे थे। अरे कमरे देखो, और अभी घर का सिर्फ बाहर का टूर है। अभी फिर आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी, फिर सो के थोड़ा आराम करके, थक रखे हैं बहुत ज़्यादा। रास्ते में सफ़र का तो पता नहीं चला, लेकिन थकावट हो गई बहुत ज़्यादा। आ गई सासू मामा, आराम से दिखाऊंगी गांव का सीन। बाद सब लोग सो रखे हैं दिन में, और 2 बज रही हैं, 2 बजे हम ठीक 2 बजे घर में पहुंच गए हैं। तो मोटी मोटी इनको भी कर देते हैं साफ। साबुन का कपड़ा है ये, इन पे ना निशान, पता नहीं कैसे निशान पड़ जाते हैं इन टाइमों पे। और एक मिनट बस चलो। एंड ये ब्लॉग में नोएडा से उत्तराखंड पहुंचने तक का है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वाला। दूध रख दो पहले इधर, चाबी मेरी सास ने सब जगह ताले लगा रखे हैं।